आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं तवा चिकन। काफी दफा रिक्वेस्ट की गई थी, चीजें आपको दिखा देते हैं। चिकन के पीसेस आप लेंगे, स्किन इसका आप उतार लेते हैं, ऑफ कर लें, रखना आपकी चॉइस है, लेकिन ज्यादातर ये सर्व किया जाता है विदाउट द स्किन। इसमें डीप गैशेस यानी कि कट्स लगवा लीजिएगा या खुद ही कर लें, और एक चिकन के आप चार पीस करते हैं, यानी कि सीना अलग और ये आप देख लें लेग पीस अलग हो गई। ये हो गया चिकन। जो चीज़ें आपको आगे चाहिए वो आपको चाहिए टमाटोज यानी कि टमाटर, इसके आप सीड्स निकाल लीजिएगा, छोटा छोटा काट लें स्मॉल क्यूब्स में। प्याज यानी कि अनियंस बारीक काट लें फाइनली। गार्निशिंग के लिए आपको चाहिए होंगे अनियन रिंग्स, थोड़े से बारीक काटिएगा। अदरक फ्रेश, जिंजर आपको चाहिए बिल्कुल बारीक जूलियन। मोटी आपको चाहिए होंगी हरी मिर्चें, मैं पतली वाली इस्तेमाल ही करती हूँ, ज़्यादा तीखी होती हैं। सो दैट्स बुलेट ग्रीन चिलीज, मोटा मोटा इन्हें भी आप काट लीजिएगा। इसमें जाएगा ऑप्शनल है येलो फूड कलर अगर आप डालना चाहते हैं तो, या ऑरेंज। कुटी हुई काली मिर्च दैट्स क्रश ब्लैक पेपर, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, सॉल्ट यानी नमक, रेड चिली पाउडर लाल मिर्चों का पाउडर, क्यूमन पाउडर दैट्स जीरा पाउडर, चाट मसाला बीच में जाएगा दैट्स माई होम मेड गरम मसाला, ये भी मेरा होममेड है। लेमन जूस बीच में जाएगा, बॉटल फ्रेश दैट्स योर चॉइस। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, और दही यानी कि योगर्ट। देखिए योगर्ट का सिंपल हिसाब होता है, जितने पीसेस आप लेते हैं टिक्के के साइज के यानी कि बड़े पीसेस, उतना ही अब दही उसका डलता है। तो आपको इंशाल्लाह रेसिपी में दिखा देंगे। तेल में इसको बनाते हैं, तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना कैसे। पहला काम, हमने चिकन को मैरिनेट करना है। इससे मसाला लगाकर हम कवर करके फ्रिज में रख देंगे तकरीबन घंटे के लिए। तो चिकन के अंदर दही जा रहा है। आई ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स। ये चला गया दही बीच में, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी हुई काली मिर्चें, फूड कलर, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमन पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक। देखें ये बहुत तीखा और चटपटा बनता है। अगर आपको मिर्चें ज़्यादा लगती हैं तो आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा वो आपकी अपनी चॉइस पर है। तो इसे मिक्स कर लें और कवर कर फ्रिज में रख दें घंटे के। अच्छा जी, घंटा आपने इसको चिकन को रखना है मसाले में मैरिनेट करके। देख लें तेल बहुत ही थोड़ा इसमें इस्तेमाल होता है क्योंकि ये तवे पर बनता है। क्योंकि मेरे पास जो कमर्शियल तवा है वो नहीं है, एक ऑर्डिनरी जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं वो है। क्योंकि मैं डबल द अमाउंट का बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें देशकी में बनाना सिखाऊंगी, लेकिन आप जब इसको डिश आउट करेंगे इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इसको किस तरीके से, जो आपके घर में सादा तवा होता है आप उस पर इसको किस तरह सर्व करते हैं। तो सबसे पहले वापस रेसिपी पे आते हैं। तेल हो चुका है गर्म, फ्लेम अभी तक हाई है, और जब तक मैं आपसे नहीं कहूँगी आपने इसको लो नहीं करना, फिर इसको बीच में डालिएगा और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। देखने चिकन के पीसेस जब आपने बीच में ऐड कर लेने, फ्लेम आप हाई पर रखते हैं, और उसके बाद जो कि जितनी भी मैरिनेशन है कोई भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि सारा मसाला जो है ऑब्वियसली दही में हमने डाल दिया था यहीं पर जाएगा। फ्लेम आप हाई पर रखेंगे, जैसे ही इसमें आप देखेंगे कि जोश आ गया तब आप इसकी साइड चेंज करेंगे और आप इसे कवर कर कर कुक करेंगे मीडियम पर, जब तक कि जितना भी दही का पानी और चिकन खुद छोड़ेगा वो तमाम तौर पर खुश्क हो जाना चाहिए। तो जैसे आप देखेंगे इसमें जोश आ गया है, इसकी साइड चेंज कर लेते हैं, कवर कर लें, दोबारा आपसे कह रही हूँ मीडियम पे रखकर कुक कर। जैसे इसमें जोश आता है आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ, पहले मैंने सोचा आपको सिर्फ बता देती हूँ, लेकिन आई थिंक इस बेटर कि आपको दिखा दिया जाए। ये देखें आप इसकी साइड चेंज करते हैं, कितना खूबसूरत माशाल्लाह इस पर कलर आ गया। तमाम पीसेस के आप साइड्स को चेंज कर लेते हैं और फ्लेम को आप ले आते हैं मीडियम पर, और उसके बाद इसको तब तक कुक होने देंगे जब तक आप देख रहे हैं दही का पानी है, चिकन कुछ छोड़ रहा है, वो तमाम ड्राई हो जाना चाहिए। तो कवर कर कर फिर इसको कुक कर लें। देख रहे हैं कि नीचे कितना मसाला बन चुका हुआ है, ये दही का है और जो चिकन खुद पानी छोड़ रहा है। देखिए आपको यहाँ पर मैं एक टिप देने लगी हूँ, वो ये है कि अगर आप छोटा चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं इस यहाँ पर तवा चिकन बनाने के लिए, तो आप इसे कुक करेंगे हाई फ्लेम पर, और अगर आप इसको बड़े साइज़ के पीसेज यानी कि बड़ा चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं ये बनाने के लिए, तो आप इसको मीडियम पर रखकर कुक करते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बड़े पीसेज होते हैं उसको टाइम लगता है इनसाइड आउट कुक होने के लिए। क्योंकि आप देख रहे हैं मेरे छोटे पीसेज हैं, मैं इसको यहाँ पर हाई फ्लेम पर कुक कर रही हूँ ताकि तमाम पानी जो है जल्दी से खुश्क हो जाए, और बाकी की चीज़ें फिर आपको दिखाते हैं कब डालने। बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल आप देख लें दही रह चुका हुआ है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लेम हाई है, मैं हाई पर ही बना रही हूँ, आप इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, मैंने चिकन साइड पे कर दिया ताकि जो चिकन जो हम अनियंस ऐड कर रहे हैं ये जल्दी से इसका मसाला बन जाएगा। प्याज और ये जा रहे हैं बीच में टमाटर, और आप डालेंगे इसमें हरी मिर्चें, थोड़ी सी मैं बिल्कुल छोड़ूंगी एंड में गार्निशिंग के लिए। ये चला गया, थोड़ा सा इसमें डालेंगे यहाँ पर अदरक, बाकी गार्निशिंग के लिए काम आएगा।
ये डाल लेने के बाद इस पर आप ऐड करते हैं लेमन जूस, गरम मसाला और इसको आपने यहाँ पर जो है हाई फ्लेम पर कुक होने देना है जब तक कि तमाम जितने भी हमने इसमें चीज़ें बीच में डाली हैं ये रिड्यूस हो जाए। परफेक्टली मसाला खुश्क हो चुका है, अगर ये नीचे लगता भी है तो कोई ऐसी बात नहीं, इसमें बर्न का जायका नहीं आएगा इंशाल्लाह। सिवी के साथ साथ चमचा हिलाते रहिए और ये हो गया परफेक्टली तैयार। यहाँ पर इसमें हम डालेंगे जो कि है फ्रेश धनिया, आपको पता है मैं फ्रोजन इस्तेमाल करती हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर आपको दिखाते हैं कि इसको डिश आउट किस तरह करेंगे। वो इस तरीके से आप इसको डिश आउट करते हैं, जो मसाला है आप नीचे लगा लेते हैं, चिकन की पीसेस ऊपर, चंद अदरक के पीसेस जो मैंने बचा लिए थे, चंद हरी मिर्चें, स्लाइस्ड राउंड रिंग्स आप उसके बीच में से जो है सुराख में से इसके पीसेस कर लीजिएगा प्याज के। और यहाँ पर ऊपर हम डालेंगे अब चाट मसाला, ये बहुत चटपटा बनता है, स्पाइसी भी काफ़ी होता है। अगर आपको स्पाइसेस कम चाहिए तो आप प्लीज़ कम इस्तेमाल करें, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को ज़्यादा स्पाइसेस ना दिए जाए। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस पर कवर करके इसको थोड़ा सा स्टीम दे देंगे, थोड़े प्याज नरम हो जाएंगे, लेकिन मुझे ज़रा खूबसूरत लगता है प्याज यूँ खड़े खड़े होने चाहिए। तो अब इसको डिश आउट गर्मा गर्म बनाते हैं। तवा चिकन सर्व करने से पहले थोड़ा सा ऊपर ढक्कन डालकर स्टीम दे दें, नान के साथ खाएँ, पराठों के साथ खाएँ, पूरियों के साथ, जिस तरह आपका दिल चाहे। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट cookwithfaiza.net पर, ज़रूर बनाइए। पैक को कैसा लगा दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।